नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट अनबॉक्स के वीकली रिपोर्ट में। स्मॉल कैप इंडेक्स जो 3 महीने के सबसे हाई में ट्रेड हो रहा है, अभी स्मॉल कैप इंडेक्स ने हाई बनाया 6711 का और क्लोज किया 6673 में। निफ्टी कैश मार्केट ने भी बहुत ही अच्छा ट्रेड हुआ, 11760 का जो ऑल टाइम हाई है उसके जो अगस्त 2018 में बनाया था उसके तकरीबन जाके वापस आया, 11630 तक हाई गया और क्लोज किया 11624 में फ्राइडे 29 मार्च को। मार्केट में 2-3 दिन के गिरावट के बाद बहुत ही अच्छा तेजी देखने के लिए मिली। अभी देखते हैं लार्ज कैप में कौन कौन से शेयर थे जो परफॉर्म किए और नेगेटिव रिटर्न्स दिए। तो लार्ज कैप में सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाले स्टॉक थे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, 18.05% के तेजी में रहते हुए 858 में क्लोज किया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स बेल 10.95% के तेजी देते हुए 75 में क्लोज किया। यस बैंक 8.91% के तेजी में 275 में क्लोज किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.62% के तेजी में 321 में क्लोज किया और सीमेंस 7.60% के तेजी में 11129 में क्लोज किया। और वीकली लूजर के बारे में अगर बात करें तो सबसे गिरने वाले शेयर्स में थे आदित्य बिरला कैपिटल, 97 में क्लोज करते हुए 5.31% के मंदी में क्लोज हुए। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 583 में क्लोज करते हुए 5.22% के मंदी में क्लोज हुए। एचर मोटर्स 20,548 में क्लोज करते हुए 4.19% के मंदी में क्लोज किए। और आखिर में डाबर इंडिया 409 में क्लोज करते हुए 3.82% के मंदी में क्लोज है। अभी देखते हैं मिड कैप में कौन कौन से शेयर तेजी में थे और कौन कौन से शेयर मंदी में थे। मिड कैप के तेजी की अगर बात करें तो इंडिया बुल वेंचर्स 326 में क्लोज करते हुए 15.23% के तेजी में रहा। जेएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर 20 रुपये में क्लोज करते हुए 13.79% की तेजी में रहा। रिलायंस कैपिटल 205 के में क्लोज करते हुए 12.39% के तेजी में रहा। DHFL 150 में क्लोज करते हुए 12.34% के तेजी में रहा। रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट 210 में क्लोज करते हुए 10.84% के तेजी में रहा। JSW एनर्जी 73 में क्लोज करते हुए 10.67% के तेजी में रहा। वैसे वीकली लूजर मिड कैप में देखें तो NSE इंडिया लिमिटेड 69 में क्लोज करते हुए 11.70% के मंदी में रहा। जुबिलेंट लाइफ साइंस 665 में क्लोज करते हुए 11.64% के मंदी में रहा। KRBL 336 में क्लोज करते हुए 7.22% के मंदी में रहा। क्वेस कॉप 336 में क्लोज करते हुए 7.22% के मंदी में रहा। और प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड 253 में क्लोज करते हुए 5.04% के मंदी में रहा। अगर हम स्मॉल कैप गेनर्स के बारे में बात करें तो मेजर सेक्टर्स में जो गेनर में थे, इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल सर्विसेज में 19% के तेजी में 416 में क्लोज किए। सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में 180 में क्लोज करते हुए 12.37% के तेजी में क्लोज किए। कीरी इंडस्ट्रीज केमिकल्स में 9.15% के तेजी में 495 में क्लोज किए। और हिम्मत सिक्किंगा साइट्स टेक्सटाइल एंड अपीयरेंस में 7.77% के तेजी में 218 में क्लोज किए। अभी हमारे वीडियो का सबसे क्रीम पार्ट सेक्टरल परफॉर्मेंस ऑफ द वीक। हमने ये दो हिस्सों में बांटा है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर में। सेक्टर एनालिसिस में आप पता कर पाएंगे कौन कौन से सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें से चुन के आप स्टॉक्स ले सकते हैं और परफॉर्मिंग सेक्टर में बैठेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट करने के चांसेस रहते हैं। तो मेजर सेक्टर्स में अगर देखें तो सबसे तेज़ी में रहने वाला सेक्टर था फाइनेंशियल सर्विसेज 3.50% के तेजी में, एनर्जी ऑयल एंड गैस 3.64% के तेजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग 2.14% के तेजी में, उससे ऊपर टेक्सटाइल एंड अपीयरेंस 2.37% के तेजी में,
और आखिर में अगर देखें सीमेंट प्रोडक्शन 2.04% के तेजी में रहा। और अगर मंदी के बारे में बात करें तो मेजर सेक्टर में मंदी में रहने वाले सबसे अव्वल नंबर का शेयर था सेक्टर था रियलिटी, 0.05% के मंदी में रहा। FMCG 0.09% के प्लस में क्लोज किया और पावर 0.59% के प्लस में क्लोज किया परसेंटेज में, और फर्टिलाइज़र 0.77% के प्लस में क्लोज किया। ये सब प्लस में क्लोज किया, लेकिन सेक्टर परफॉर्मेंस में देखा जाए तो ये सबसे नीचे परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। अभी चलिए देखते हैं माइनर सेक्टर्स में परफॉर्म करने वाले कौन कौन से शेयर्स थे। सबसे नंबर वन एयरलाइंस सबसे अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करते हुए 9.49% के तेज़ी देखने के लिए मिला। उसके पीछे शुगर 5.51% के तेज़ी देखने के लिए मिला। फिल्म्स 3.42% के तेज़ी देखने के लिए मिला। इंटीरियर कंस्ट्रक्शन 3.19% के तेज़ी देखने के लिए मिला। होटल एंड लेजर 2.98% के तेज़ी देखने के लिए मिला। वैसे ही अगर गिरने वाले सेक्टर्स में देखें माइनर सेक्टर्स में, तो टेलीकॉम सबसे ज़्यादा पिटा है, 4.61% के मंदी में रहा। पेपर 1.54% के मंदी में रहा। कंज्यूमर गुड्स 0.36% प्लस में रहा। कंज्यूमर गुड्स 0.65% के प्लस में रहा। और कार्बन 1.20% के प्लस में रहते हुए ये पांच सेक्टर थे जो सेक्टर्स में सबसे मंदी में परफॉर्म किए। तो आशा करते हैं आप सेक्टर परफॉर्मेंस और शेयर परफॉर्मेंस से पता कर पाएँ कि मार्केट का हाल क्या है और आने वाले वीक में कौन कौन से सेक्टर्स में कौन कौन से शेयर। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।